अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, खैर आफियत से रखे अपने घरों में। सो जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बारात का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ मैं अपने बेटे की शेरवानी रेडी कर रही हूँ और उसने बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं ली हैं ताकि वीडियो एडिट करें। और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी। सो यहाँ पे हम लोग सहराबंदी कर रहे थे और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है काफ़ी इंजॉय किया है। सहराबंदी के बाद यहाँ पे कुछ वेले वगैरह हुई हैं, साथ साथ हम कर रहे हैं इंजॉय पेंट बाजा और जो कि मेरे साथ हुई है वो ये थी कि मैं जो है बाय चांस अपना सेल फोन घर पे भूल गई थी और वीडियोस मैंने जो है बहुत मुश्किल से जो है चंदे के तौर पर इकट्ठा किए हैं सबसे वीडियोस, और उसके बाद मैंने ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। बहुत मुश्किल से व्लॉग शेयर किया है और होप सो आपको मेरी मेहनत जो है अच्छी लगे। सो गाइस, अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इस मेहनत का सिला आप लोगों ने ही मुझे देना है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। सो यहाँ पे हम बारात जो है वो लेके जा रहे हैं और इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, वीडियोज़ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस, यहाँ पे जो है बस हॉल हमारा आ चुका है और अब हम जो है बराती सारे रेडी हैं। यहाँ पे जो है ढोल धमाका हो रहा है, खुद भी हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे नोटों की बरसात भी हो रही है साथ साथ। तो आप भी इंजॉय करें मेरा ब्लॉग। मिस हो गए हैं और मैं नहीं आपको दिखा सकी। सो यहाँ पे जो है वो दूध पिलाई की रस्म हो रही है और बहुत इंजॉयबल रस्म थी। और यहाँ पे मेरे साथ हुआ ये कि इस रस्म के दौरान मेरे जो हेयर स्टाइल है उसमें जो है जो फ्लावर्स लटक रहे थे वो बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी ड्रेसिंग दिखाती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है अपनी बारात का लहंगा पहना है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं अपने भाई की शादी में जो है लहंगा पहनूँ अपनी शादी का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लहंगा मुझे आ गया है, और क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत डाइट भी की थी तो थोड़ा जो है वेट लूज़ हो गया था और ईज़िली लहंगा आ गया था और बहुत मज़े का लग रहा था लहंगा भी। सो यहाँ पे जो है हम हॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं और हॉल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बैंक्वेट था। सो मज़ा आया बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई शादी। और यहाँ पे जो है ब्राइड ग्रूम की एंट्री हो रही है जो कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो है ख़ुद से जो है वीडियोस नहीं बनाई, मेरी मामा के सेलफोन से, मेरी सिस्टर के सेलफोन से जितनी भी वीडियोस बनी हुई थी उन सबको मैंने एडिट किया है, दैन मैंने आपको ये वीडियो अब तक पहुँचाई है। यहाँ पे कुछ पेट पूजा हो जाए और जहाँ पे पेट पूजा वहाँ कोई नहीं काम दूजा। सो यहाँ पे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है और हम अब खाने लगे हैं खाना, यमी यमी से बिरयानी, नान, सालन और बहुत ज़्यादा यमी यमी से खाने। सो गाइस, खाना खाने के बाद हमने की है ब्राइड की रुखसती, और क्योंकि ये मेरे चाचू की बेटी है और बहुत ज़्यादा हम सैड भी थे क्योंकि मैं तो जो है झेलम में ही हूँ और उसने जो है शादी होकर कराची चले जाना है। हुआ कि चीयूँ कि मैं कराची से झेलम आ गई और वो झेलम से कराची जा रही है। सो ये है कि बहुत जो है रोना आ रहा था, लेकिन खुश भी थी कि मामू का बेटा है और रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। तो यहाँ पर जो है हम ले कर जा रहे हैं अपनी दुल्हनिया को और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा है। तो जी चलें जनाब, अब हम चलते हैं अपने घर। तो घर पे जाके आपसे मुलाकात होती है।
यहाँ पे हम घर आ चुके हैं, और क्योंकि मैं ब्राइड के साथ ही थी तो मैं बाद में घर आई हूँ ब्राइड के साथ ही, क्योंकि थोड़ा सा उसको जो है रिलैक्स करने के लिए एक बंदा साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई थी ब्राइड के साथ और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने रास्ते में भी। सो गाइज़ यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं घर में और अब ब्राइड ग्रूम की एंट्री होगी घर में, और मज़े की और भी मज़ेदार सी रस्में, क्योंकि जो कि रस्म होती है कि दरवाजे पे जो है दुल्हन खड़ी हो जाती है और रस्म होती है पैसे ले कि वो अंदर उसमें अंदर आना होता है। तो जनाब यहाँ पे वो रस्म भी हो चुकी है और अब जो है हम लोग एंटर करवाएंगे दुल्हन दुल्हा को अपने घर में। सो बहुत इंजॉयबल डे था और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं हम लोग और बस थक रुट गए हैं। सो आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते मैं आपको कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती चलती हूँ जो कि बहुत ही यम्मी सी पिक्चर लगी थी, बहुत ही मुझे मज़ेदार सी पिक्चर लगी थी, और इससे मैंने अपलोड करना चाहा क्योंकि मैंने मुझे अच्छा लगा ये इसे अपलोड करना। सो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बारात डे की हैं, और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस तरह लग रही हैं आपको ये ज़बरदस्त सी पिक्चर्स, और बहुत इंजॉय किया हमने, और होप सो आप लोगों ने भी मेरा व्लॉग देख के इंजॉय ज़रूर किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत फ्रेंड माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।